दोस्तों, खरगोश के काटने से टेटनस भी हो सकता है। तो हम आज इसी टेटनस के बारे में बताएंगे। टेटनस भी खरगोश के काटने से हो सकता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप इस बात को समझ सकते हैं। यही आपके लिए सबसे अधिक सही होगा। आइए हम जानकारी देते हैं। टेटनस एक जीवाणु क्लोस्ट्रिडियम टेटानी के कारण होने वाला संक्रमण है और जो रोग मुक्त रूप से तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, जिससे पक्षाघात और मृत्यु भी हो जाती है। टेटनस का कोई ज्ञात इलाज नहीं है, लेकिन एंटीबायोटिक दवाओं के साथ शुरुआती उपचार में गंभीर जटिलताओं को रोकने में मदद मिलती है। टेटनस तीन प्रकार का होता है। प्राथमिक, जो कि संक्रमित जानवर के काटने या खरोंचने से होता है। माध्यमिक, जो संक्रमण के द्वारा बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न होता है, विष के द्वारा। और तीसरा जो होता है, दूषित मिट्टी या पानी के संपर्क में आने पर। टेटनस आमतौर पर गंदी त्वचा के घाव के संपर्क में आने पर होता है और यह लार और शरीर के अन्य तरल पदार्थों के माध्यम में फैलता है। यदि आपको किसी संक्रमित जानवर द्वारा काटा या खरोंचा गया है, तो जितनी जल्दी हो सके चिकित्सा सहायक से सहायता लें। घाव को साबुन और पानी से साफ करें और एंटीबायोटिक मरहम लगाएं। वैसे आपको बता दें कि टेटनस की वैक्सीन आ चुकी है और वैक्सीन आने की वजह से इसके मामले काफ़ी कम हो चुके हैं। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि आप इस बात को समझ सकते हैं। और आपको बता दें कि हर साल इस बीमारी से 10 लाख लोग ग्रसित हो जाते हैं। आप इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि लक्षणों की मदद से आप समझ सकते हैं कि आपको टेटनस हुआ है या नहीं। तो आइए हम जानते हैं टेटनस के लक्षणों के बारे में। निगलने में कठिनाई होती है, जबड़ों में ऐंठन और अकड़न होता है, पेट की समस्याओं में अकड़न होती है, गर्दन की मांसपेशियों में अकड़न होती है, हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, बुखार भी होता है, पसीना बार बार आता है। इस तरह के लक्षण यदि आपको दिखाई दे तो संभव हो सकता है कि आपको टेटनस हो चुका है। यदि आपका घाव काफ़ी समय से ठीक नहीं हुआ हो, तो फिर आपको बूस्टर डोज को लगाया जाना चाहिए। तो ये था टेटनस के इन्फॉर्मेशन के बारे में। निपू क्यूट रैबिट इन्फॉर्मेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो को देखने के लिए इसी तरह से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और शेयर करें। नमस्कार।